नमस्कार, आज हम बात करेंगे पाइनएप्पल के फायदे के बारे में। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के हम फायदे के बारे में समझने से पहले मैं एक ही बात आपको कहूँगा कि सभी प्रकार की फल और कच्ची सब्जियाँ, सैलड जिसको बोलते हैं, वो औषधि है, ठीक है। लेकिन वो औषधि का काम तभी करती हैं जब हम उसे पूरा पूरा दिन खाते हैं, रॉ डाइट करते हैं, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पूरा पूरा दिन, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने भोजन कर लिया और उसके बाद जो है पाइनएप्पल खा लें तो हमें जो है वो औषधि की तरह नहीं काम करेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है हमें खाली पेट खाना है और पूरा दिन खाना है, तो ही ये औषधि की तरह काम करेगा, तो ही इसके फायदे के बारे में जान के लाभ भी मिलेगा, ठीक है। सो आइए हम इसके अब हम शुरू करते हैं पाइनएप्पल के क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो पाइनएप्पल जो है इसमें सबसे पहले तो ये ना इसमें एक ब्रोमेलिन नामक एंजाइम जो होता है, ठीक है, ब्रोमेलिन, ठीक है। ये करता क्या है बेसिकली, एंजाइम है, ठीक है। ये एंजाइम क्या होता है, एंजाइम ना हमारे जो है फैट, ठीक है, प्रोटीन, ठीक है, और कार्ब, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है, ठीक है। सभी ये जो एंजाइम्स होते हैं इसको डाइजेशन में मदद करता है, ठीक है। कई सारे एंजाइम्स हमारे पैनक्रियाज से निकलते हैं, ठीक है, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स बोलते हैं, ठीक है, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स बोलते हैं उसको, ठीक है, जो कि इन्हीं तीनों का पाचन करते हैं वो, ठीक है। कुछ एंजाइम जो है लीवर से भी निकलता है, जैसे कि बाइल हो गया, बाइल गोल ब्लैडर से जो है, लीवर एंड गोल ब्लैडर से, ठीक है। ये जो है, ये जो ब्रोमेलिन है, ये पाचन करता है प्रोटीन का, ठीक है। हमारे शरीर में तो है ही है, लेकिन क्या है कि मान लो जैसे कि बहुत से लोग प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, बॉडी बिल्डर्स होते हैं, तो वो लोग ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है उनको ये इसका सेवन जो है करना चाहिए, ठीक है, बीच बीच में जो है पाइनएप्पल का, ठीक है, ड्यू टू दिस, ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। तो इस प्रकार से ये एक बहुत बड़ा जो है इसमें जो है फैक्टर जो मैंने आपको बता दिया, इसका जो एक सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट है। तो आइए इसके न्यूट्रिशन वैल्यू को जान लेते हैं, ठीक है। बाकी औषधि का काम तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि चीज़ें जो है ये सारी औषधि का काम कैसे करती हैं, जब हम पूरा पूरा दिन उसको खाते हैं, ठीक है। यही नहीं खाना है, मतलब सारी चीज़ों को मिक्स करके खाना है, ठीक है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, है ना, ऐसा नहीं इसी को खाई जा रहे हैं पूरा पूरा दिन, ठीक है। कुछ फ्रूट्स तो खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते हैं, ठीक है, ये तो आप थोड़ा बहुत ही खा सकते हैं। अपनी मैंने लास्ट ईयर जब डाइट शुरू किया था तो मैंने पाइनएप्पल का सेवन किया था, और मतलब ज़्यादा नहीं, आप 100-200 ग्राम खाओ तो एक्चुअली एक बार ना ये जैसे छाले से कर देता है मुंह में, लेकिन खासियत इसकी ये है बेसिकली ना प्रोटीन, अनडाइजेस्टेड प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, एक घंटे के अंदर वो छाला लेकिन पूरी तरह ठीक भी हो जाता है, ठीक है। अब वो छाले होते क्या होते मुझे नहीं पता, लेकिन लगते ऐसे ही है। सो आइए इसके ना न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि छाले नहीं कर देते हैं, वो एक घंटे के अंदर वो डिसॉल्व भी हो जाते हैं, ठीक भी हो जाते हैं। सो इसमें जो कैलोरी आपको जो मिलेगी, ठीक है, दैट इज 50, ठीक है, 50 कैलोरी मिलेगा इसमें। फैट तो इसमें है नहीं, ठीक है, फैट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। कार्ब्स है इसके अंदर, ठीक है, कार्ब्स है 13 ग्राम है कार्ब, ठीक है, और इसमें फाइबर है, ठीक है, दैट इज 1.4 ग्राम, ठीक है, और इसमें प्रोटीन भी बस नाम मात्र ही है, ठीक है, प्रोटीन दैट इज 0.5 ग्राम, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कैल्शियम भी है इसमें 13 mg, ठीक है, बहुत ही कम है। पोटासियम है, पोटासियम बहुत कम है इसके अंदर, ठीक है, 109 mg, बहुत कम है पोटासियम इसमें। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है, थोड़े 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 सारे है। विटामिन सी इसके अंदर बहुत अच्छा है, ठीक है, विटामिन सी अगर आप 100 ग्राम खाते हैं तो आपको मिलता है 47.8 mg, ठीक है, जो कि डेली रिक्वायरमेंट का 53% पूरा कर देता है अगर 100 ग्राम इसको खा लेते हैं, ठीक है। इसमें B6 है, ठीक है,
और तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ये प्रति 100 ग्राम 9% ही हमारे सैलरी अपने हमारे जो है इसको बॉडी की जो रिक्वायरमेंट इसको पूरा करता है। इसमें मैंगनीज बहुत है भैया, ठीक है, मैंगनीज, ठीक है। सो मैंगनीज तकरीबन जो हमारे डेली का रिक्वायरमेंट होता है उसका 40% ये जो है पूरा कर देता है, ठीक है जी। और इसके अंदर कॉपर है, कॉपर भी है, ठीक है। सो ये तकरीबन जो मैंगनीज है ये 0.927 mg, ठीक है, 40% डेली का रिक्वायरमेंट पूरा करता है। और इसमें जो है 12% जो है कॉपर, 12% यानी कि हमारे बॉडी का जो डेली का रिक्वायरमेंट होता है उसका 12% ये दे देगा, ठीक है। तो ये हुआ 0.110 का ये जो है mg, ठीक है। शो ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा तो जो इसमें विटामिन सी इसमें काफी अच्छी मात्रा में है, ठीक है। तेरह B6 भी इसके अंदर है और मैंगनीज है इसके अंदर, हमारे डेली का रिक्वायरमेंट का 40% पूरा कर देता है। और कॉपर है जो कि 12% पूरा करता है। सो ये चीजें हैं जी, ठीक है। आप डाइट में जो है 150 ग्राम आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे अगर आप खाना चाहें तो खा सकते हैं। शो उम्मीद करता हूँ कि मैं आज इसके बारे में कुछ आपको सिखा पाया हूँ। तो इस वीडियो में यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।